भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल दो स्टारों की चर्चा है। पहला सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह और दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। जी हाँ, दो स्टार आमने सामने अपनी अपनी फिल्मों को लेकर आते हैं और बॉक्स ऑफिस पर हमें एक बिग क्लैश देखने को मिलता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाओं में दो स्टार रहते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, क्योंकि पवन सिंह एक दमदार एक्शन स्टार है और खेसारी लाल यादव की फिल्में दर्शकों को बड़ी पसंद आती है। फिलहाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव बन चुके हैं, लेकिन दोनों सुपरस्टारों में से कौन से सुपरस्टार के पास है ज्यादा पैसा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि फिल्म में खेसारी और पवन सिंह के पास लगभग सेम ही पैसा है, मतलब जितना पैसा खेसारी के पास है उतना ही पैसा तकरीबन पवन सिंह के पास है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 60 से 70 फिल्मों में अभिनेता पवन सिंह ने काम किया है। शुरुआती दिनों में अभिनेता पवन सिंह को एक फिल्म के लिए 5 लाख 10 लाख दिए जाते थे, लेकिन अभी पवन सिंह एक फिल्म में काम करने का 50 से 60 लाख रुपए फीस लेते हैं और खेसारी लाल यादव के पास अपनी एक मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत लगभग 70 से 75 लाख रुपए है। वहीं पर अभिनेता पवन सिंह का मुंबई में शानदार फ्लैट है जिसकी कीमत करोड़ों है, जहां अभिनेता पवन सिंह रहते हैं। हालांकि बताया जाता है पवन सिंह के पास और भी कई बड़ी गाड़ियां हैं। खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल यादव अब तक लगभग 70 से 80 फिल्मों में काम कर चुके हैं और खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म की फीस लगभग 3 लाख रुपए थी और फिलहाल खेसारी लाल यादव एक फिल्म में काम करने का 50 से 60 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों चर्चाओं में हैं क्योंकि उनकी एक फिल्म सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। 2019 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म संघर्ष है और वो खेसारी लाल यादव की फिल्म है। खेसारी लाल यादव फिलहाल 70 से 80 फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो भी फिलहाल एक फिल्म में काम करने का लगभग 50 से 60 लाख रुपए फीस लेते हैं और शुरुआती दिनों में वो एक फिल्म में काम करने का 3 से 5 लाख रुपए, फिर 5 से 10 लाख रुपए लिया करते थे। और हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 से 20 करोड़ की संपत्ति पवन सिंह के पास है और उतनी ही संपत्ति खेसारी लाल यादव के पास है। खेसारी लाल यादव की टोटल संपत्ति जोड़ी जाए तो 15 से 20 करोड़ के आसपास हो जाती है। वहीं पर पवन सिंह की भी संपत्ति खेसारी लाल यादव के पास मुंबई में अलीशान घर है और उस घर में 2 फॉर्चूनर, 1 पल्सर, 1 बुलेट और कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं, जहां पर खेसारी लाल यादव दमदार तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। वैसे इस समय खेसारी लाल यादव के पास कई बड़ी फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि बाघ के सारी भाग, दुनिया और भी कई सारी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मात्रा में धूम मचाने वाली हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कौन से सुपरस्टार के पास कितना पैसा है।